गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और ये हमारे पेपर टू का पार्ट है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। बेसिकली आपके सिलेबस में लिखा होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बदले में स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जब भी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात आएगी तो हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से ही इसको समझेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें कि रॉक टाइप्स क्या है, चट्टानों के प्रकार कैसे हैं, उनका चरित्र या उनकी विशेषता करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका स्लोप या डिप कैसा है, ढलान जिसको कहते हैं, उनसे बनी हुई जो सॉइल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद रिसोर्सेज उसमें किस तरीके के मिल रहे हैं। तो बेसिकली रॉक टाइप्स, किस काल के बने हुए रॉक्स हैं, कैसे हैं और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी को जो हम लोग पढ़ते हैं ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है यहाँ कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एज ए ज्योग्राफर, एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जो भूगर्भिक संरचना है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारे कारणों से इम्पॉर्टेंट है, और एक तरीके से कहिए तो ये नींव का पत्थर है। जिस प्रकार से नींव बनाने के बाद ही सारा मकान बन सकता है, उसी हिसाब से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग बना सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंस अगर देखें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एज ए ज्योग्राफर हम लोग, तो अगर आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता है तो फिर जियोग्राफी उससे निकाल सकते हैं, ड्रेनेज उससे पता कर सकते हैं, मिनरल्स कैसे हैं उसमें ये भी हो सकता है, उसमें और क्या क्या रिसोर्सेज मिल सकते हैं ये। और जब आपको फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, मिनरल रिसोर्सेज और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता है तो डेवलपमेंट और इकोनॉमी की कंडीशन क्या लगा सकते हैं आप अंदाजे, उसके आधार पर ह्यूमन सेटलमेंट, शहर, नगर, गांव, संघर आबादी, विरल आबादी, इसकी पता लगा सकते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप की एप्लीकेशंस की चीज़ें भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिजास्टर जो है फिजियोग्राफी, ड्रेनेज से संबंधित ही होंगे या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित होंगे, और मैनेजमेंट जो होगा वो रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमी और सेटलमेंट से संबंधित होगा। जैसे हम लोगों को कभी पता है कि जो डक्कन का पठार है वो प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ ठोस चट्टानों का है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप नहीं आएंगे, इस चीज़ का पता हो गया हमको, तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है। जब इसका पता है भूकंप नहीं आएंगे तो हमको ये भी पता है कि वहाँ जो भूकंप रोधी बहुत ज़्यादा फोकस करने की उस टेक्नोलॉजी पे घर नहीं है, तो ऐसी जैसे परमाणविक ऊर्जा घर बनाना हुआ उस तरीके की चीज़ें वहाँ हम लोग लगा सकते हैं। फिर अब जैसे हमको पता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से गंगा का मैदान जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, वो सबसे रिसेंट एज में बना हुआ है, तो उसकी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है। अगर उसकी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है तो उस हिसाब से वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की वो खाना दे सकता है, तो हम देख सकेंगे ह्यूमन सेटलमेंट बड़े बड़े गंगा के मैदान में बसे हुए हैं। उसी प्रकार से जब हमको पता है किसी एरिया में कि गोंडवाना साइल्स मिलते हैं, गोंडवाना चट्टानें मिलते हैं, तो कोयला उस इलाके से ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता है तो आपको सारी चीज़ें पता हो सकती है। और दुर्भाग्य रूप से जब ज्योग्राफी के क्लासेज में हम लोग आते हैं तो मैक्सिमम समय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में टीचर्स पढ़ा के निकलते हैं और स्टूडेंट पढ़ के भी निकलते हैं, पर हम लोगों को इसको सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे 2 से 3 क्लासेज में, जिससे कि आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे, रिलीफ होंगे, ड्रेनेज होंगे, सॉइल होंगे, मिनरल होंगे, किसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, जियोलॉजिक लिखा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होगा, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। जैसे हम लोग पूछते हैं कौन कब जन्म लिया, तो हम लोग कहते हैं कि 2010 में, 2000 में, 1990 में, 80 में, तो इससे क्या पता लगा कब से, 1980, तो ईसा के जन्म के 1980 साल बाद इसने जन्म लिया। उसी तरीके से और कैलेंडर से हमारे पास जैसे शक संवत है, तो ईसा के जन्म से कुछ पहले से बाद से शुरू होता है, 72 ईस्वी से, विक्रम संवत है तो वो उनसे कुछ पहले से शुरू हो जाता है, हिजरी संवत है तो वो 622 ईस्वी से शुरू होता है जो मुसलमान यूज़ करते हैं। इस प्रकार के डिफरेंट जो आपके कैलेंडर हैं वो ये बताते हैं कि एक खास जो है, जिसको हम लोग लैंडमार्क कह सकते हैं या एक मार्क कह सकते हैं, एंकर, इस रेफरेंस पॉइंट से कितने दिन बाद आपका जन्म हुआ। तो अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि 24 घंटे पहले पृथ्वी का जन्म हुआ है तो आदमी का जन्म पृथ्वी पे बस 1 मिनट पहले हुआ है। तो आप देखिए कितना बड़ा एज है। तो एज ए ज्योग्राफर हम लोग एक बड़े से एज को कवर करते हैं,
तो हम लोगों का जो कैलेंडर होता है वो बहुत बड़ा कैलेंडर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो इस कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले रखते हैं सुपर ईयन, फिर ईयन, इरा, पीरियड, इपोक एंड एज। तो बेसिक रूप से सबसे पुरानी जिस समय पृथ्वी बनी उस समय हम लोग प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयन मानते हैं, और ये है जिसमें कि होडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक जो है हैडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक ईयन मिलते हैं, और ये 4 बिलियन ईयर्स से 570 मिलियन ईयर्स तक है। अब इसको प्री कैम्ब्रियन इसलिए नाम दिया गया कि सबसे जो उसके बाद का रॉक था वो कैम्ब्रियन पीरियड था 570 मिलियन ईयर्स। तो 570 मिलियन से पूर्व और कहां तक, तो 4 बिलियन ईयर्स जब पृथ्वी बनी थी, इसके काल को प्री कैम्ब्रियन सिस्टम कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयन कहते हैं। और इस काल की बनी हुई चट्टाने जो है पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टाने हैं, वो पृथ्वी जिस समय बनी उस काल की चट्टाने हैं। उसके बाद फेनेरोजोइक ईयन आता है जिसमें कि 3 मेजर इरा है, जिसको पैलियोजोइक इरा कहते हैं, पूर्व का इरा, मेसोजोइक मध्य का, और सेनोजोइक मतलब रिसेंट। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन पीरियड्स आते हैं, डिफरेंट लिखे हुए हैं। मेसोजोइक इरा में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस आते हैं, जुरासिक आपको याद होगा डायनासोर के कारण, और सेनोजोइक में पेलोजीन, नियोजीन और क्वार्टनरी पीरियड्स आते हैं। इसी में एक आता है प्लिस्टोसीन इपॉक सेनोजोइक पीरियड में। तो प्लिस्टोसीन इपॉक 1 मिलियन साल पहले जस्ट शुरू हुआ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल पहले। इसी में स्टोन एजेस आए और चीजें आए, और हम लोग एज ए मानव जो है वो 10,000 साल पहले पृथ्वी पे आया, तो वो होलोसीन का है। तो आप देखिए कि इस हिसाब से हम लोग कब से कहाँ हैं। पर अगर हम लोग बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हर युग की चट्टानें धरती पे मिलती हैं, और भारत में तो मैक्सिमम चट्टानें मिलती हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आई होप। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये क्या है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम लोग जो है जब पूछा जाता है स्ट्रक्चरल डिवीजन तो लोग क्या करते हैं, लोग ये लिख देते हैं कि हिमालय, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। नहीं, ये गलत है। ये जो है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये रिलीफ फीचर्स है भारत के, ये स्ट्रक्चरल डिवीजन नहीं है। स्ट्रक्चरल डिवीजन का मतलब होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन भारत के दो हैं, साउदर्न पेनिनसुला, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, और दूसरा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, प्रायद्वीप इतर प्रदेश, प्रायद्वीप से इतर, प्रायद्वीपेतर लिखते हैं इसको हिंदी में। तो ये दोनों है, विंध्यन से दक्षिण, दक्षिण का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीप, और ऊपर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, हिमालय और न्यू फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, हिमालय और नए वलित पर्वत चट्टाने। हिमालय और नए वलित पर्वत क्यों, क्योंकि हिमालय के साथ जो है अराकान योमा की पहाड़ियां भी उसमें सम्मिलित है, और दूसरा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन। तो ये दोनों जो है हिमालय टर्शियरी एज में बना है, और इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ये क्वार्टरनरी एज में बना। सबसे रिसेंट ये है इंडस गंगा प्लेन, उसके बाद हिमालय बना, और सबसे पहले की चट्टाने हमारे कहां मिलती है, विंध्य से दक्षिण, साउदर्न पेनिनसुलर रीजन में। अब जो है बात हम लोग करें तो अब इनमें किस प्रकार की रॉक सिस्टम्स मिलती हैं, इन जो साउदर्न पेनिनसुला से लेके और यहां तक, ये देखने की बात है। तो भारत में इतने प्रकार की रॉक्स मिलते हैं, आर्कियन इराकी, पुराना इराकी, द्रविड़ियन इराकी और आर्यन इराकी। मेजरली आर्कियन इरा प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, जिसमें दो प्रकार के रॉक्स मिलते हैं, आर्कियन सिस्टम और धारवाड सिस्टम के रॉक्स। पुराना इरा में भी ये भी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ही हैं जो मेटामॉर्फ हो गए हैं, इसमें कुडप्पा, विंध्यन और डेल्ही सीरीज की चट्टाने मिलती हैं। द्रविड़ियन इरा में कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, गोंडवाना, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टनरी मिलती है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे धारवाड़ सिस्टम खनिजों के लिए फेमस है, विंध्यन सिस्टम सीमेंट के लिए फेमस है, इसमें से गोंडवाना सिस्टम कोयला के लिए फेमस है, टर्शियरी में हिमालय बना और क्वार्टनरी में गंगा का मैदान बना। तो आज का आपका टास्क यही है, असाइनमेंट यही है कि आपको इनके नोट्स कराने कि ये कौन से चट्टाने भारत में मिलती है रॉक सिस्टम और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अगर इसमें से इम्पॉर्टेंट कुछ हम देखना चाहें तो ये एक इंटरनेट से लिया गया है, PMFIES.com से।
कि यही मेजर टाइप की चट्टाने भारत में मिलती हैं। वो सारी चट्टाने मिलती हैं, पर मेजरली ये मिलती हैं। पहला आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसमें प्री कैम्ब्रियन रॉक्स मिलती है, जो बहुत ओल्ड प्लेटोनिक रॉक्स हैं, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टाने हैं, जिसमें आर्कियन नीस और सिस्ट मिलते हैं और ढारवार सिस्टम है। फिर पुराने रॉक में पुराना रॉक सिस्टम जो है, पुराना रॉक सिस्टम, इसका इंग्लिश में भी नाम पुराना रॉक सिस्टम ही होगा, इसमें भी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स मिलते हैं। ये भी ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स है, लेकिन जो हमने पहले भी बताया है। तो इसमें दो प्रकार की इंपॉर्टेंट है, कुडप्पा और विंडियन। उसके बाद द्रविडियन रॉक सिस्टम है, जो पैलियोजोइक है, और इसमें कार्बनीफेरस रॉक, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल्स इसमें बेसिकली मिलते हैं, भारत में भी ये थोड़ा सा मिलता है। और आर्कियन रॉक सिस्टम जो है, ये सबसे जियोलॉजिकली रिसेंट पीरियड का है, जिसमें गोंडवाना सिस्टम मिलता है, जिसमें कोयला भारत के मैक्सिमम मिलते हैं, फिर जुरासिक सिस्टम मिलता है, फिर डेक्कन ट्रैप मिलता है, और टर्शियरी सिस्टम मिलता है, जिसमें हमने बताया था हिमालय का जन्म हुआ है। साथ ही साथ क्वार्टरनरी इसमें नहीं इंक्लूडेड है, क्वार्टरनरी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान बना है। अब अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को हम लोग देखें, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में, तो आप देखिए डिफरेंट प्रकार की चट्टाने मिलते हैं। आप इस इंडेक्स को इग्नोर कीजिएगा, नीचे के लिंडेन को देखिएगा, ये बाद के लिए हम बाद में बताएंगे दूसरे क्लासेस में, कि रिसेंट और प्लेटोनिक युग में। और ये जो आप देखिए पिंक कलर से प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने देखिए पूरे दक्षिण में फैली हुई है, और ये डेक्कन ट्रैप यहाँ, और ये बीच में जो है ये विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के दक्षिण ये जो चट्टाने हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, पेनिनसुलर स्ट्रक्चर। और ऊपर में जो है ये है हमारा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, जिसमें एक है ये मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का, और दूसरा हिमालय। इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल वे में दिखाया गया है, तो हम इस मैप से इसको समझ सकते हैं। इस मैप से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया इसमें देखें, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा भाग जो है ये क्या है, टर्शियरी चट्टाने हिमालय वाली, और दूसरा जो है टर्शियरी के साथ साथ इसके साथ ये भी अराकान योमा के पर्वत भी जो है, दूसरा ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु का मैदान जो है, ये कैसी है, तो रिसेंट एंड प्लेस्टोसिन युग की चट्टाने हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ सेडिमेंट्री भी लिखा हुआ है। आपको याद है तीन प्रकार की चट्टाने होती हैं, इग्नियस, आग्नेय, सेडिमेंट्री, अवसादी, और मेटामॉर्फिक रूपांतरित। इग्नियस कैसे बनता है, लावा के उद्गार से बनता है जो जम जाता है। सेडिमेंट्री कैसे बनता है, अवसादों के संगठन से बनता है। और मेटामॉर्फिक कैसे बनता है, ताप और दाब के, जब किसी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से पड़ता है उससे उसका रूप बदल जाता है, रूपांतरित बनता है। तो देखिए ये हिमालयन और जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मैदान की चट्टाने हैं, ये कैसी हैं, रिसेंट है, क्वार्टरनरी युग की चट्टाने हैं, ये टर्शियरी युग की चट्टाने हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं विंध्य पर्वत से नीचे, तो आपको देखेगा ये ब्राउन, ब्राउन क्या है, प्री कैम्ब्रियन, ये मेटामॉर्फिक है, बहुत सबसे पुरानी चट्टाने हैं ये। उसके बाद गोंडवाना और विंडियन, ये भी मेटामॉर्फिक है, ये देखिए पिंक कलर्स में यहाँ। और फिर डेक्कन ट्रैप, ये इग्नियस है, क्योंकि इस पे लावा का उद्भार रिसेंटली हुआ है। तो ये सारा डेक्कन ट्रैप, गोंडवाना और प्री कैम्ब्रियन मिला के हमारा बनाता है पेनिनसुलर इंडिया। और इस पेनिनसुलर इंडिया में इसी का, चूंकि ये मेघालय का पठार भी इसी का भाग है, तो इसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हिमालय पढ़ेंगे, तब की कैसे बंगाल मालदा का भ्रंश हुआ और उसमें आगे बढ़ा। तो अब आप देखिए कि हमारे पास दो भाग हैं, पहले भाग में उत्तर में दो भाग, एक हिमालय टर्शियरी काल में बना हुआ, और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, और नीचे जो है वो सबसे पुराने रॉक्स हैं हमारे, कौन कौन, गोंडवाना और विंडियन, प्री कैम्ब्रियन और डक्कन ट्रैप मिजरली। इसके अलावा भी है कुडप्पा, विंडियन, और ये सब हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास जो है, इसको हम लोग अब आज यहीं रोकने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो चीजें हम लोगों ने सीखी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्या है और क्या होता है, और साथ ही साथ रॉक सिस्टम भारत में कौन कौन मेजर रॉक सिस्टम मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। अब हमारे पास इसके आगे का प्रश्न है कि इन रॉक सिस्टम्स की विशेषताएं क्या हैं, किस रॉक में क्या विशेषताएं मिलती हैं, उसके कारण उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगले क्लासेस में हम दो चीजें देखेंगे आपके असाइनमेंट के बाद, कि रॉक सिस्टम में किस रॉक सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या मिलता है, और डिटेल वाइज किस राज्य में और कहाँ क्या मिलता है, ये मैप आपको याद रहना चाहिए उसके साथ। और दूसरी चीज कि उनका और चीजों पर रिलीफ, ड्रेनेज फीचर्स, इन पे क्या प्रभाव। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले क्लासेस में हम लोग फिर से मिलते हैं और बात करेंगे इसमें।